वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। पुणे में अल मुकद्दस गोट फार्म पे है हम, चारोली में जी। और हमारे साथ है हमारे जोगेश्वरी के उमेर भाई। उमेर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फहद भाई। उमेर भाई जो है एग्जॉटिक में बहुत डील करते हैं, एंड अगर आपको जिंग बकरे, कश्मीरी बकरे, बन्नूर, मेरीनो, इवन विलायती आपको चाहिए, या बैंटम फैंसी वाले चाहिए, या दुम्बे चाहिए, यू कैन श्योरली गेट इन टच विद देम। इस वीडियो में हम फिलहाल सिर्फ विलायती बता रहे हैं, बस अच्छा खासा कलेक्शन है विलायती। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। राइट, बिफोर वी बिकेम शोकेसिंग, आपने बहुत सारा जिंग बकरों का लॉट उतारा था जोगेश्वरी मंडी में, वर यू नॉट सक्सेसफुल इन सेलिंग इट ऑफ फ्रॉम हियर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन कैसा होता है कि फहद भाई, जो जोगेश्वरी की जो मंडी है, लास्ट 4 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कस्टमर्स है वहाँ पे काफ़ी अच्छे बंधे हुए हैं। अच्छा, जो रेगुलर है, जो वेल नोन है, राइट राइट, तो वो लोग प्रीफर करते हैं। और जनरली कैसा होता है कि अपने बॉम्बे में कैसा होता है कि हर किसी को पलाई पे रखने का शौक़ नहीं होता है, लास्ट के 10 दिन होते हैं उसको शौक पूरा करना होता है। बिल्कुल, तो बिल्डिंग में बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए लोग क्या करते हैं, 10 दिन पहले में, 8 दिन पहले, कोई 6 दिन पहले अपना लेके आते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं। क्या वजह है आप देवनार में नहीं डालते? क्योंकि देवनार में बहुत कवर किया हूँ, एंड बहुत मुश्किल होता है मुझे देवनार में बोर बकरे, जिंग बकरे, बैंटम बकरे ढूंढ के निकालना। बहुत कम आते हैं, बट नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है। अभी कैसा है फहद भाई, देवनार हमारे बस की बात नहीं है करना, बिकॉज कैसा है कि हम लोग सारे जो है मेरा घर जो एक्चुअली जोगेश्वरी में है, तो यहाँ से जोगेश्वरी से देवनार डेली जाना, वहाँ वॉशरूम्स की तकलीफ, उसमें क्या होता है कामगार जो है और हम लोग खुद जो है बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, और जानवरों को भी, जो कहते अपने सारे जो बकरे हैं ये सारे एक्जॉटिक्स होते हैं, तो इनको कैसा है देवनार की थोड़ी सी भी अगर गंदगी लग गई तो ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल, तो उतना मेनटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए जोगेश्वरी मैं प्रीफर करता हूँ, मेरा घर भी जोगेश्वरी में है, तो क्या है कभी भी उठे छूटे अपने घर पर जा सकते हैं, वॉशरूम हो गया, खाना हो गया, कोई हर चीज़ की सुविधा हम लोग को वहाँ उपलब्ध मिल जाती है। देखिए, थोड़ी बड़ाई मानना मैं चाहूँगा, पहले भोपाल का नाम आता था, कोटा का नाम आता था, जोधपुर, पिपाड़, अब जोगेश्वरी का नाम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जोगेश्वरी माशाल्लाह बहुत। जोगेश्वरी में लाइक एक तो आप हो, है ना जी, और आई थिंक ऑलमोस्ट आई थिंक नदीम भाई क्लासिक वाले वो भी वहाँ जोगेश्वरी रहते हैं, वो वेस कागजी थे, बड़े बड़े बकरे लेके आते हैं, वो जोगेश्वरी में अलग से डालते हैं, एंड साउथ मास्टर जोगेश्वरी, आप कितने लोगों को देखो सब जोगेश्वरी वाले हैं। जोगेश्वरी, जोगेश्वरी माशाल्लाह बहुत बहुत शौक कर रहे लोग, बहुत शौक कर रहे हैं, चैनल भी जोगेश्वरी के बड़े बड़े, दो तो हमारी बिल्डिंग में, एक मैं और एक मैं नेबर, मैं अमान हूँ। चलिए, ये माशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा मेंढा है यहाँ का अभी, इसकी बेस्ट बात यह है कि दो दांत पे, अभी जस्ट दो दांत पे, क्या पॉस्चर है मेंढे का, सिंग क्वालिटी देखो। ये जैसे हमेशा से मैं बोलता हूँ कि अभी अभी सिखाऊँ, उस्मान भाई ने सिखाया कि भाई इनकी जो ये जो क्या रिबिट्स जो होती है हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ज़िगज़ैग और वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, एंड काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से आई थिंक फटका खाया लगता है किसी से। नहीं नहीं, वो क्रैक्स जो होता है ना वो है, वो आगे निकल रहा है, तो अभी तो दो दांत पे इंशाल्लाह, तो ये यहाँ से और यहाँ चली जाएगी आने वाले टाइम में, तो अगर ये टूटता है तो नया नहीं आएगा। नहीं नहीं, टूटेगा नहीं, खाली ऊपर का क्रैक ही है। तो ऐसे ही रहेगा हमेशा? हाँ, ये ऐसे ही रहेगा। ओके ओके, और ये भी है, एकदम चिपका हुआ नहीं है ना, ये जो उस्मान मैंने बताया था कि उठा हुआ रहना चाहिए, और वैसे ही सिंग एकदम प्रॉपर है, आप देख सकते हैं पीछे से पूरे खुले हुए सिंह माशाल्लाह, और अभी तो सिर्फ दो दांत है माशाल्लाह, और साइज ये अच्छा है कि चेहरे पे चिटक चिटक नहीं रहा है बाद में, नहीं नहीं बहुत बहुत फाइलिंग की भी जरूरत, खुली सिंह है ना, जबरदस्त है पॉस्चर, अच्छा है इसका पॉस्चर, बॉडी स्ट्रक्चर देखो जबरदस्त, और अभी तो सिर्फ दो दांत है, और इंशाल्लाह इनका पोटेंशियल, ये सब मेंढे कैसा है ना फहद भाई, ये सब 100+ के पोटेंशियल के मेंढेज है, और ये सब इनका पोटेंशियल होता है, ये सारे जो है 100+ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ये वो 100+ वाले हैं कि भाई वो 100+ 100 100 मेंढे गिराने वाले मेंढे, नहीं नहीं इंशाल्लाह वो 100% 100+ जाएंगे, बाकी उसमें कुछ तैयारी पे रहते हैं। नो नो, आई एम आस्किंग 100+ केजी वाले हैं या 100 मेंढों को गिराने वाले मेंढे, दोनों भी मैदान में कुछ उसमें कि 100+ जाने वाले तो 100% इसमें सारे मेंढे अपने अल्हम्दुलिल्लाह 100+ जाएंगे, क्योंकि ये सारे पठानकोट पंजाब के प्योर मेंढे हैं। ओके, दूसरी चीज फ्रेम और लेंथ है ना माशाल्लाह, फुल लेंथ और फुल, अभी इसकी आप दो दांत पे जो इसकी लेंथ देखिए, जनरली 6 दांत 8 दांत की मेंढों में मिलेगी, तो अब इसका पोटेंशियल वो खुद बोल रहा है। आप बैठोगे? जी जी जी, इसके सिंग सिंगार कलर खूबसूरती, सिंग चेहरा और बॉडी लेंथ भी बहुत बड़ी है, परफेक्ट। हाउ मच आर वी आस्किंग फॉर दिस वन? इसके प्राइस जो भी है, जो बड़े मेंढे हैं मेरे पास में एक या दो,
उसके मैं पर्सनल पे ही बताऊंगा, बाकी जो छोटे मेंढे इंशाल्लाह उसका हम लोग ओपन कर देंगे प्राइस। अच्छा, उनको कैसे आप जवाब देते हो जो कमेंट में, भाई पर्सनल में बनाना है तो पर्सनल में वीडियो डालो अपने व्हाट्सएप पे। जवाब क्या कैसे है भाई, इसमें देखो कुछ चीज़ हमारी खुद की पर्सनल है। अभी जैसे मैंने अभी यहाँ पे तकरीबन जो है 14-15 मेंढे है, एक दो मैंने पर्सनल पे रखा है, बाकी तो मैं ओपन करूंगा इंशाल्लाह। बाहर बात करके लीजिए क्यों पर्सनल में, तो परेशान हो गया मैं, बोला आपको क्या दिक्कत है, अगर आप अगर हम प्राइस बताते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि आपका महंगा प्राइस देख के गांव वाले अपना प्राइस महंगा कर डालते हैं, तो वो बताओ तो प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे प्राइस बताओ तो प्रॉब्लम है, बोले कि भाई इतना महंगा क्यों है, आप प्राइस बढ़ा रहे हो, नहीं बताओ तो प्रॉब्लम है, बोले इनका तो प्रॉब्लम तो हर चीज़ में हर सभी को होती है, लेकिन जो जेन्युइन बायर है वो आप पर्सनल में अगर आप बोलोगे ही विल डेफिनेटली कॉल यू। तो टाइम पास वाले और फ्रस्ट्रेशन निकालने वाले, उनको एक जरिया चाहिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने में भी, उनकी लाइफ एकदम डिस्गस्टिंग है या अपने घर पे कुछ फाइट की है, तो वो यूट्यूब पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। मेरे को दिन में 10 आते हैं वैसे, आई लर्न टू हैंडल देम, ठीक है, आई गिव देम अ टिट फॉर। नहीं, अब जो कैसा होता है जनरली, जो अभी आपने बात बोली ना वो एकदम सही बात है। अभी जैसे जनरली क्या होता है कि जिनको पर्सनली जो मेंढा या बकरा कोई भी चीज़ का अगर पसंद है या जिसकी डिटेल उनको जाननी होती है, तो वो डेफिनेटली क्या करते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं या मार्क करके भेजते हैं कि भाई कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे फोटो आती है और उसकी डिटेल की बात कर लेते हैं कि भाई ये सो इन सो डिटेल पे, फिर उसके बाद जो भी सौदा होना है वो तो बाद पे कॉल पे ही होता है। उमेर भाई, मैंने तो ऐसा भी देखा हूँ कि अगर प्राइस बता भी दो ना, अगर किसी को ये मेंढा पसंद आया, कोई फर्स्ट 15 सेकंड की वीडियो देखेगा, एंड डेफिनेटली कॉल यू, आप यू नॉट इवन वेट फॉर द प्राइस टू कम इन द वीडियो, कि कितने का दे रहे भाई, आप बोलोगे अरे प्राइस तो है वीडियो में, वीडियो देख लो पूरा, पसंद पे है जो वैसे भी लोग हैं, शौकीन लोगों के लिए है भाई ये शौक जी, ठीक है। बट स्टिल 50 के ऊपर है, हाँ नियर अबाउट क्लोज बाय 50, हाँ ओके चलिए फेयर इनफ। कितने समय से यहाँ पे एंड व्हाट नहीं, ये सारे अभी जो न्यू स्टॉक है इनको सबको आके समझो ना एक 15 से 20 दिन के आसपास हुआ है, क्या दिया गया है इनको वैक्सीनेशन के नाम, अभी वैक्सीन की नहीं हुई, सबकी डिवॉर्मिंग हो चुकी है, डिवॉर्मिंग हो चुकी है, ओके वैक्सीन अभी सब स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, चलिए कोई लेके यहीं पे अभी, लेकिन चाहे अलमुकद्दस पे अंडरस्टैंड पलाई भी करते अभी हो? ऐसा है ना अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पलाई का ऐसा हो गया है जितने भी कस्टमर्स अपने हैं, जो 90% कस्टमर्स अपने से ही लेके अपने पास में ही पलाई पे रख रहे हैं, ओके ओके जी। तो कितना है इनका पलाई का, बिलो 40 2500, अबव 40 3500, मेंढे अंडुल कोई भी हो, सब अंडुल खस्सी बकरा बकरी कुछ भी हो, बिलो 50 2000, बिलो 40, बिलो 40, हाँ बिलो 40 केजी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसका ये रीजन क्यों है 40 केजी का, तो 40 और जिंक क्या होता है जनरली, क्या होता है ये एकदम 40 के अंदर के रहते हैं, तो उसके लिए क्या लोगों को पलाई थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, तो इसलिए हमने ना उसको एक क्राइटेरिया डाल दिया है कि भाई अगर बिलो 40 है तो अब 2500 कर देना, और अबव 40 है तो उसका 3500, और 40 है तो अबव 40 है तो 40 है तो उसमें आ गया ना, किसमें आप बिलो और अबव 2500 40 नहीं बोले, अबव 40 है 40 एंड अबव 40 एंड बिलो बोलो, 40 भी इंक्लूड करो ना। चलिए एनीवे दिस इज प्राइवेट में बताएंगे, लेट्स कम टू दिस वन। अभी एक और अडल्ट है वो बता दे पहले, अडल्ट वाला कौन सा है, कौन सा वो वाला, या टेल मी, ये अभी अदंद है, अभी मतलब दांत तोड़ेगा, ओके हाँ, लेकिन साल भर का हो गया है। और कुछ आप बोलना चाहोगे सर, बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मेंढा खुद अपनी खूबसूरती और हर चीज़ बयान कर रहा है, एग्रेसिव है माशाल्लाह, सिंग सिंगार देखिए, लेंथ देखिए, हाइट बॉडी देखिए, और आप जो बोल रहे थे ना 100 मेंढे को गिराने वाली बात, वो है इसमें। अच्छा ये मैदान जंग वाला है, ओके, बाकी फिर सबकी अपनी अपनी तैयारी होती है, sure, जो जैसा तैयार करे। एंड हाउ मच आर यू आस्किंग फॉर दिस वन, ये बता था ना जैसा, ये एक और एक वो मेंढा था, इसका पर्सनल okay. पे बताएंगे, सो ये दो पर्सनल पे, लेट्स कम टू द किड्स, ठीक है, एक ये है, बहुत अंडर नरिश लग रहा है ये, नहीं अभी नया है ना, हाँ भाई ये नए बच्चा है, ये 1 वीक हुआ इनको आके, okay, अभी इनके बाल कट करके अभी रखे है, okay. इंशाल्लाह आप अगले महीने देखोगे ना इंशाल्लाह एक भी मेंढे का पहचान होगी, okay. इंशाल्लाह ताला। और अभी पुणे का जो क्लाइमेट, आपको खुद को पता है कि पुणे का जो क्लाइमेट है काफ़ी ठंडा है, और पुणे के क्लाइमेट के साथ साथ में मेरा जो फार्म जिस लोकेशन पे है वो आप इंशाल्लाह अभी वीडियो में कंटिन्यू में दिखा सकते हैं, चारों साइड में जो है पहाड़ है, ग्रीनरी है, तो यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ठंडा है, तो इसके लिए हम लोग जो है थोड़ा इत्मीनान से और सुकून से मेंढे बेचते भी है, कोई घाई नहीं करते कि भाई आज लाया कल बेच दो, मर गया तो किसकी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग अपने जो भी मेंढे खरीदते हैं या जो भी बकरे खरीदते हैं हमारा इंटेंशन ये होता है कि ये हम खुद पाले, हम खुद पाले, बिकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बिकता तो ये कल को जाके हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेड इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, कल को जाके यही मेंढा अगर अच्छा तैयार होगा तो मुझे 2 पैसा कमा के देगा, राइट,
तो हमारा इंटेंशन खरीदी का वही होता है। ओके, कितने महीने का है ये? तकरीबन 4 महीने 5 महीने के आसपास का बच्चा। ये कहाँ का माल है? हिमाचल का क्या? नहीं, सारा पठानकोट का माल। पठानकोट का माल है। हाउ मच आर वी आस्किंग फॉर दिस? इसका 22,000। स्लाइटली इसमें निगोशिएबल करेंगे। मैक्सिमम जितने भी मेंढे अभी जो छोटे में दिखाऊंगा ना, सबका रेंज जो है 25 से 20। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज्यादा रेट बोला, इसके लिए दिखेगी भी नहीं। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं। क्या होता है ना, अभी आई डू अंडरस्टैंड कितने के आते हैं, बिकॉज इवन आई बीन इन्वॉल्व इन यू नो सम ऑफ द डीलिंग जंगल से, मुझे पता है। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यू गैस ऑल्सो टेक अ रिस्क। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, यहाँ पे रखने का मोर्टेलिटी रिस्क, बट स्टिल आई मीन 21,000 यू आर आस्किंग फॉर दिस वन। आपके लिए 20,000 एक हज़ार बढ़ा रहे थे, 20,000 रुपये मांग रहे हो। पाद भाई की रिक्वेस्ट है तो इतना कर ही लेंगे। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट तो काफ़ी कम होनी चाहिए, है ना? फिर मेंढा भी उतना फिर वो वैसा नहीं रहेगा ना, पोटेंशियल फिर वैसा निकलना भी चाहिए। राइट, है कम कम रेंज के मेंढे भी है अभी। नेगोशिएबल है ना 20,000 जो आप मांग रहे हो? कर देंगे थोड़ा बहुत। बॉम्बे तक के डिलीवरी चार्ज कितना हो जाएगा? 1,500। एंड इफ यू दे इफ आई मेक यू अ पेमेंट नाउ, व्हेन विल यू गेट इट डिलीवर्ड? 2 से 3 दिन। नाउ ये 1,500 जो आप बोल रहे हो, फॉर इंस्टेंस अगर ये मेंढा फॉर इंस्टेंस जाता है जैन गावड़े के फार्म पे, हाँ, अगर कोई लोकेशन जैसे महापोली है या महापोली जाता है अंदर है, तो यहाँ से आप ये एमडी गोट फार्म जाता है पड़गा, हाँ, तो वो ऑलमोस्ट तो कितना तकरीबन 2,000 के आसपास? 2,000 रुपए। 1,500 से 2,000। असल में कैसा होता है उसका भी मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। जो यहाँ से एक व्हीकल जाती है हमारी, तो उसमें ना 4-5 बकरे या मेंढे होते हैं ना, वो शेयरिंग में चले जाते हैं, तो वो क्या होता है ना, डोर टू डोर डिलीवरी करता है। तो अगर लोकेशन बहुत दूर है और उसकी क्वान्टिटी मेंढों की या बकरों की कम है, तो थोड़ा सा उसको फ़र्क पड़ जाता है प्राइजेस में। तो जनरली इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 1,500 से 2,000 के बीच का एक रेट रखते हैं। okay. कि जैसा भी रहेगा लोकेशन की तरफ से। अभी मैंने 3-4 अभी भेजा, उसके बाद में नहीं था, सिर्फ 4 बकरे गए, तो 2,000 की तरफ से हमने कस्टमर से लिए। ओके, कैसे जाता है ये बस में? वो नहीं नहीं, बाई रोड पर्सनल टेम्पो में जाता है। ओके, हाँ, और डोर टू डोर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा फार्म से अगर कोई उसको पिक कर रहा है, तो सामने वाले के फार्म तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ओके, बीच रास्ते में बीमार हुआ तो? हाँ जी, बीच रास्ते में बीमार हुआ नहीं होता, उतारने के टाइम पे कोई दिक्कत हो गई, पैर में प्रॉब्लम है, पूरी फिर case? मेरी जिम्मेदारी। ओके, पूरा रास्ते का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वहाँ तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ओके, चढ़ते वक्त आप उसके बाद अगर कुछ होता है, फिर फार्म वाला हमारे बॉम्बे में रहते हो, वीडियो वगैरह जाता है? वीडियो आता है यहाँ से, जब लोड होता है तो मुझे फार्म से वीडियो मिलता है, जब वहाँ पे डिलीवर होता है तो जो मेरा लोडर है वो उसकी वीडियो भेजता है कस्टमर को, हम लोग वीडियो सेंड। अच्छा, हम पलाई की भी बात कर रहे थे, अंडर 40 kg 2,500 रुपीस जी। अभी इसका वजन कितना होगा ये वाला? ये अंडर 40 होगा, ये अंडर 40 है, ये तो तकरीबन जो है ना एक 25 से 30 किलो के आसपास का ही होगा। तो कोई आपके ये वाला जो बड़ा मेंढा है ये अराउंड 50 से 55 के बीच का है, और वो वाला जो हमने बताया और वो जो बड़ा वाला देखे थे हमने वो अराउंड 160 के रेंज में है, 60 के आसपास। हाँ, और पलाई की भी बात कर रहे थे, तो कितने महीने में कितने मरतबा लोगों को बाई डिफ़ॉल्ट वीडियो चला जाएगा, क्या वज़न कितना पकड़ा है, क्या ऑन डिमांड जाएगा? ऑन डिमांड ही भेजते हैं हम लोग, क्योंकि कैसा अभी अपने पास में जो मैक्सिमम जो कस्टमर्स है वो लोग बोलते हैं कि हमको वेट से वेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कस्टमर्स है जो वेट इंपॉर्टेंट करता है, तो जिनके लिए डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। जिन कस्टमर का ऐसा होता है कि नहीं हमारे लिए वेट इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको हर महीने की जो वीडियोज़ है वो उनको भेज देते हैं। ठीक है अलबाज भाई, एक मिनट आओगे अलबाज भाई, लास्ट टाइम कश्मीरियों का बड़ा चलन था, आप यहाँ के पुणे के ही हो, मैंने देखा ज़्यादा लोगों ने कश्मीरी प्रेफर किया था, कैन यू गिव हिम द माइक इफ यू डोंट माइंड? इस मरतबा व्हाट इज़ द ट्रेंड दिस ईयर? कश्मीरी रहेगा। हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि भाई हम देखते तो बहुत है ऑफ सीजन में जी, कि भाई जिंग बिक रहे हैं छोटे छोटे, बट जब मैं फाइनल वीडियो बनाता हूँ बकरा ईद के एक महीना पहले, किसी के पास जिंग पड़ा नहीं रहता है, क्या ये सब टपक जाता है? नहीं ऐसा नहीं है, अलहमदिल्ला ये साल की बात कर रहा हूँ, जो 2024 की बात कर रहा हूँ, 2024 में हमने खुद ने पर्सनल 80 जिंग बेचे। नहीं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ लास्ट ईद की बात कर रहा हूँ, लास्ट 10 डेज बिफोर, और 80 जिंग बेचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ईद के टाइम पे। यू डिड नॉट गेट माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन वाज हमने जिंक बेच दिया जी, सम लेट्स स्टार्ट विद द सीजन, अभी सीजन इसके बाद हम लोग शायद जिंक की बनाए ना बनाए आज के दिन जी, लेकिन इसी महीने तुम जिंक बेच रहे हो जी, और बिक तो बहुत रहे, लॉट आते रहे, हर कितनी वीडियोस देखते हैं हम हर एक चैनल पे छोटे छोटे जिंक बकरे बिक रहे, बट फाइनल बकरा ईद में मैं इतने पलाई फार्म कवर करता हूँ जी, आई थिंक आई बीन कवरिंग मोस्ट ऑफ द पलाई फार्म्स,
मेरे को जिंक की क्वांटिटी हार्डली 1% दिखती है, कहीं खड़े नहीं आते, कैसा है ना, और कोई बताता भी नहीं है कि मेरे पास जिंक बढ़ा हुआ है। क्या वो सरवाइव नहीं कर पाते? वो तो है, और काफ़ी लोग मतलब सेट नहीं कर पाते, जितने लोगों ने अपने से सेट करके लिए काफ़ी, मतलब जैसे गुजरात वगैरह में मतलब उन लोग ने ना बढ़े ही ली, तो अलहमदिल्ला उन लोग के जिंक टिक गए। और जैसे अपने पास जिन लोगों ने रखे थे पलाई के लिए, तो उनको अपन ने एक साल बाद भी जिंक दी। काफ़ी लोग का मतलब ऐसा है कि काफ़ी लोग इस मोर्टेलिटी हो गई काफ़ी लोग। So you think, Umer bhai, Bombay climate is not suitable for zinc? Pune is better because Pune is a little cooler. Climate का कैसा ना, climate suit होता है थोड़ा सा, हमारी भी उसमें मेहनत लगती है। बट मैंने बॉम्बे में एक ही बार किया हो जिंक के ऊपर काम, और उसमें भी किधर पूरा ट्रेडिंग का काम किया था, माल लाके मेरे ख्याल से महीना दो महीने में मैंने पूरा माल बेच दिया था। उसके बाद से जो भी हम कर रहे हैं पूना के फार्म से ही काम कर रहे हैं, तो अलहमदिल्ला पूना के फार्म पे तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जनरली क्या होता है ना, तो छोटे बच्चे होते हैं जो सर्वाइवल का जो इश्यूज है वो छोटे बच्चों का इश्यूज है, बड़ों में इतना तकलीफ तो नहीं आती है। बच्चे ही बेचते हो? मैं बच्चे और बड़े दोनों बेचते हैं हम लोग, ज्यादा मेजोरिटी हमने तो बच्चे ही कवर। अब कैसा है ना, लोगों की मेंटालिटी है कि भाई हमको छोटे बच्चे ही चाहिए, तो कैसा जो मार्केट का डिमांड है वही सप्लाई होगा। ये तो मैंने देखा, ये सारे बड़े हो जाते हैं, ये तो इतने अच्छी, ये तो अलहमदिल्ला इनका इम्यूनिटी तो पावर तो बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, यू डोंट रियली हैव टू वरी। एक बार ले लिया मेंढा दुम्बे, इनका तो मतलब कोई इश्यूज नहीं है। अभी मैंने एक दुम्बा मंगाया था, पूरे भरे बारिश में आया, अलहमदिल्ला कोई तकलीफ नहीं, सर्दी तक नहीं हुई उसको तो। आई कम ठीक है, एक एक ये मेंढा है, आई लव दिस कलर मैन, क्या खूबसूरत है माशाल्लाह। आपने कटिंग भी इतनी अच्छी की और नेक के पास इतना स्पॉट है, पॉलका डॉट्स माशाल्लाह, सच अ ब्यूटीफुल वन, बहुत खूबसूरत है, कलर में बहुत खूबसूरत है। By the way, इसका प्राइस आपने 20,000 बोला, ये सारे 20,000? हाँ, ये अभी जो भी है ना इसमें, ये 20 से 25 के रेंज के है इसमें। 20,000? हाँ, ये 20,000। और कितने महीने का होगा ये? तकरीबन 4 महीना। 4 महीने, what a beautiful color man, माशाल्लाह। सिंग थोड़ी छोटी है ना? हाँ, अभी 4 महीने का छोटा बच्चा ये। और ये कितने महीने का था? ये भी 4 से 5 महीने का बच्चा है, थोड़ा साइज में बड़ा है। What about this one? ये बड़ा है थोड़ा इनसे, यहाँ 7-8 महीना। जी जी, ये 28,000 का। Why? बड़ा है भाई ये साइज में और लेंथ में। बच्चा ही है ना, बच्चे का। हाँ हाँ, बच्चा है लेकिन साइज में भी बड़ा है ना। okay. मतलब बच्चे में भी थोड़ा बड़ा है, उम्र में भी बड़ा है। okay. बच्चे मतलब अगर हमारे नज़र में तो हम लोग तो ऐसा है कि 10-11 महीने का भी रहा तो बच्चा ही बोलते हैं, बट बच्चा भी बड़ा हो गया ना अभी। तो 28,000 इज द आस्किंग प्राइस जी। जी, ओके। वजन कितना होगा इसका? ये अप्रोक्सीमेट होगा 35-40 के आसपास। ओके ओके, लेट्स कम टू दिस काला वाला, ब्लैक। ये वही पर्पस वाला है? ये वही सेम, वही पर्पस का है। हाँ, फाइटिंग वाला। यस यस। ये कितना, 7-8 महीना इसका भी? हाँ, ये तकरीबन 8 महीने का। ये भी वही होगा 30-35 किलो का? हाँ, वजन में 30-35 किलो। कितना मांग रहे हो इसका? 28। तो 28,000 रुपये, ठीक है। और ये जितने हैं सारे की डीवॉर्मिंग हुई? सबकी डीवॉर्मिंग हो चुकी है अभी, वैक्सीनेशन के साथ जो कुछ उसमें के जो है ना, 2-4 बड़े जो है उनकी हो चुकी है। okay. लेकिन मैंने बोला कि किसी का नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला जो वैक्सीन जो करनी है, ये एक जो अभी आपने कबरा बच्चा देखा, सेम देखिए माशाल्लाह उसके ऐसा ही सेम बच्चा है। आई थिंक उसको नहलाया दिलाया तो ज्यादा अच्छा, वो बाल पहले आया था, ये अभी बाद में आया है, वो मेंटेन्ड अच्छा है, बहुत ज्यादा वाला। तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट मंथ ये भी पहचानने में नहीं आएगा। ये भी 4 मंथ्स और ये भी 20,000 रुपये। यस, 20,000, फिक्स रेट। एक ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को। हाँ, ये बड़ा है, 7-8 महीना। हाँ, अदंदे 7-8 महीने। यस यस। और इसका दाम 28? ये 28,000 रुपीज़। ओके, फुल वाइट, फुल गुलाबी और मार्बल सिंग में है। जी जी, खूबसूरत। एक और है ब्लैक एंड वाइट, माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह, एक छुड़ी है क्या? कलर देखो कितना खूबसूरत है। ओके, ये वाला। ये क्या उम्र का है और क्या प्राइस का? ये तकरीबन 6 महीने का बच्चा है अभी, और इसका फेस सिर्फ वाइट है, और पीछे देखो बीच में थोड़ा थोड़ा वाइट आया, बाकी पूरा ब्लैक है। और उसकी सबसे खूबसूरत चीज है ना, इसके लेग्स देखो ना, फर्स्ट भाई पीछे के लेग्स अलग ही खूबसूरत है इसमें। कलर मतलब कलर कॉम्बिनेशन है ना, बहुत यूनिक है इसका। कितने का आ जाएगा ये? 25,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 से लेके 28,000 रुपये तक के हैं। आई थिंक ओनली दिस वन इज फॉर 25,000, और जो बड़े हैं वो 50 के आसपास है आपने कहा। एक छोटा, एक और बच्चा। हाँ, एक छोटा बच्चा इसमें। ठीक है, इसका तो कम होना चाहिए, बहुत वजन में कम है ये वजन में भी कम है, उम्र में भी कम है, और अभी सिंग खाली देख लो उसकी, ये अभी पूरा कंप्लीट 3 महीने भी नहीं किया है बच्चा। कितना मांग रहे हो इसका? इसका 15,000 रुपीज़। ठीक है,
चलिए 15,000 से लेके 50-55,000 तक के बकरे हैं, मेंढे हैं, 50-55 ना बढ़िया लोग अभी, हाँ उसके आसपास तकरीबन वही है। ठीक है, चलिए, एनीबडी इंटरेस्टेड जस्ट कॉल हिम अप, द नंबर इज गिवन ऑन स्क्रीन। इफ एनीबडी हैज टू कम हियर, अल मुकद्दस गोट फार्म लिस्टेड है गूगल मैप्स पर, आने का थोड़ा मेक श्योर यू कम, अच्छी गाड़ी में ही आओ, थोड़े रास्ते थोड़े ख़राब है, बारिश का है मौसम है, पर एक चीज़ है भाई, पलाई पे यहाँ पे रखोगे यू कैन बी, यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि भाई योर एनिमल्स वोंट बी डिस्टर्ब, बिकॉज यहाँ पे घूमने फिरने वाले सैलानी सैर सपाटे वाले कम आते हैं, और जो जेन्युइन बंदे हैं दे हॉप इन, बिल्कुल बिल्कुल, ओनली व्हेन दे नीड समथिंग, अदरवाइज टाइम पास करने वाले कम आते हैं, बिल्कुल, कंसीडरिंग ये काफ़ी आउटस्कर्ट्स में आ जाते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे, एक्चुअली हम लोग पहले किसी तो अलाउ करते ही नहीं है, अभी कस्टमर अभी एक्चुअली कहता है हमारा फार्म थोड़ा सिटी से आउट पड़ जाता है, तो इसलिए लोग भी जो है थोड़ा सा अवॉइड करते आने के लिए, और उतना ट्रस्ट लोग का हमारे पे बन चुका है, ओके, कि अगर वो हमारे भरोसे हमारी अगर कोई चीज़ अगर देते हैं तो उनको भी पता है कि हम उसको किस जिम्मेदारी से उसको पूरा करते हैं। चलिए फेयर इनफ, एनीबडी इंटरेस्टेड आप खरीद भी सकते हो, पलाई पे भी रख सकते हो, नंबर इनका स्क्रीन पर है, किसका नंबर डालूं? मेरा और अलबास का, अलबास भाई और आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।